पुलिस अधीक्षक जनपद संभल के कुशल निर्देशन में गश्त व चेकिंग के दौरान ग्राम सैदपुर जसकोली के पास से थाना असमोली पुलिस मुठभेड़ में चार शातिर बदमाश अवैध शस्त्र एक पिकअप गाड़ी व तीन काले पशुओं के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग से एक पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। रिपोर्ट राहुल सक्सेना। ये थाना असमोली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में, ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दो जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है, दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमोली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके दो अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। एक इनका साथी अभी फरार है। साथ में एक पिकअप में लदी हुई दो भैंसें और एक भैंस का बच्चा ये बरामद हुए हैं। इनके पास से दो अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और कुछ खाली खोखे और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरह के जो भी चोर या इस तरह के नकबजन हैं उन लोगों के विरुद्ध संभल पुलिस का लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इस टीम को जिसने अभी इसको मुठभेड़ में इन लोगों को पकड़ा है, इनको 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की जाती है। साथ में ये जो गिरफ्तार हैं इन दोनों चार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ में एक पुलिस के जवान के भी गोली लगी है और वो भी घायल है, उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई पिछले थे, आगे आगे जानकारी दी जाएगी। We'll be right back.